तबलीगी जमात के एक मौलाना तौकीर अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। मौलाना का कहना है कि यदि ये दोनों मुस्लिम बन गए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। इस बात पर अब जावेद अख्तर ने रिएक्ट किया है। दरअसल गुरुवार को हिंदू पोस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर मौलाना का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो पर शुक्रवार को जावेद अख्तर ने रिप्लाई कर पूछा, ये बुद्धिहीन जोकर कौन है? इसके परिवार ने इसे अभी तक पागल खाने में क्यों नहीं डाला? दरअसल जावेद के इस ट्वीट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर अहमद ने बातचीत में ये सारी बातें कही। इंटरव्यू में मौलाना कह रहे हैं कि उनका मकसद योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को इस्लाम कबूल करवाना है। मौलाना ने इन दोनों को हिंदुओं के मुख्य शख्सियत बताते हुए कहा कि अगर ये दोनों कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। मौलाना तौकीर ने कहा, मैं योगी जी को भी यही समझाना चाहूंगा कि एक बार बैठे और समझे कि दीन और इस्लाम क्या है, इंशाल्लाह वो जरूर ईमान लाएंगे। इस मौलाना को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।